हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब कोमल किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी सी, चटाकेदार सी, तीखी सी, मज़ेदार सी फ्राई की हुई मिर्च, वो भी मेरे तरीके से बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरी देखें तो हम तभी आपको पता चलेगा कि हम किस तरह ये मिर्च बनाई है। आप बीच में देखते हो, पूरी नहीं देखते हो, फिर शिकायत करते हो, तो वीडियो को पूरी देखें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये मिर्च ली है, ये मैंने 250 ग्राम मिर्च ली है, और ये मैंने रोस्ट की हुई दाल ली है, चने की दाल। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बेसन को भून सकते हो, बेसन को रोस्ट कर सकते हो, वही काम करेगी जो ये काम कर रही है। और ये मैंने राई ली है 1 चम्मच के करीब, इसको हम पीस लेंगे, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये मैंने सौंफ पाउडर लिया है। अभी हम मिर्च को कट करते हैं, तो ये देखिए कितनी बड़ी मिर्च लग रही है आपको। तो इसको हम कैसे कट करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, क्यों बड़ी तो हम ऐसे इतनी लंबी बना नहीं पाएंगे, तो मैं बीच में कट कर देती हूँ। ऐसे हमें बीच से चीरा लगाना है और ऐसे 3 टुकड़ों में मैं कट कर देती हूँ। चीरा हमें लगाना ही है क्योंकि हम मसाला तैयार करेंगे, वो इसमें अच्छी तरह जाएगा नहीं अगर चीरा नहीं लगाएंगे तो हमें चीरा ऐसे लगाना है। तो ये छोटी मिर्च है तो इसको हम 2 टुकड़ों में कट करेंगे, और ये बीच में चीरा सभी के लगाना है। ये देखिए इस तरह हमें कट कर लेना है। और आपके पास अगर छोटी मिर्च हो मोटी वाली तो उसको आप कट भी करने की ज़रूरत नहीं है उनको। तो देखिए सारी मिर्च को हमने कट कर लिया है। अगर आप इससे भी छोटी कट करना चाहते हो तो कर सकते हो। और अभी मैं दाल को ग्राइंड कर लेती हूँ, और अलग से ये मैं राई पाउडर बना लेती हूँ राई का भी। तो देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है दाल को, बेसन बना लिया है, और ये मैंने राई को भी पीस लिया है। अगर आपके पास राई नहीं है तो आप सरसों को भी पीस सकते हो। अभी हम कढ़ाई लिया, इसमें डालेंगे सरसों का ऑयल। तो मैंने 1 छोटा चम्मच सरसों का ऑयल लिया है। अभी हम इसमें जीरा डाल देंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरी देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह हमने ये मिर्च बनाई है। तो ये देखिए 1 चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है, और 1 चम्मच इसमें हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। और गैस को फ्रेंड्स इस टाइम एकदम लो रखना है क्योंकि हमने सूखा मसाला डाला है तो जल जाएगा। तो अभी अच्छे से हमें पका लेना है। तो ये सूखा मसाला तो जल्दी पक जाता है, इसमें थोड़ा मैं हींग, चुटकी भर हींग डाल दूँगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको हींग का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि मिर्च कोई गैस नहीं बनाती। अभी हम इसमें डाल देंगे जो हमने कट करके मिर्च रखी थी, वो डाल देंगे इसमें, हम फ्राई कर लेंगे मिर्च को। तो बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है कि हमारा मीठा खा लेते हैं, सब्ज़ी खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो अगर इस तरह आप सब्ज़ी बनाओगे तो इसको आप टिफ़िन में भी डाल सकते हो, सफ़र में भी लेके जा सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनती है, और इसमें बिल्कुल अलग से सामग्री नहीं लगती। और आप इसको 3-4 दिन के लिए स्टोर भी रख सकते हो, ख़राब नहीं होती है। सब्ज़ी के साथ भी आप सलाद के रूप में, अचार के रूप में भी इसको सर्व कर सकते हो। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे, मिक्स कर दिया है मैंने। इसमें पहले हमने हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाला है और कुछ नहीं डाला, ये मैं डाल रही हूँ राई का पाउडर 1 चम्मच के करीब। ये मैं सौंफ डाल रही हूँ, सौंफ फ्रेंड्स इसमें डालना ही है, बहुत ही टेस्ट आता है सौंफ का मिर्च में। और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ज़्यादा ही चटपटा चाहिए तो आप इसमें अमचूर पाउडर, नींबू भी डाल सकते हो। मैं इसमें अमचूर पाउडर, नींबू नहीं डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ इसमें लास्ट में दही डालूँगी मैं। और ये 1 चम्मच हम, छोटा चम्मच है ये, नमक लिया है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप रख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई ज़्यादा या कम खा सकता है इसमें, वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालना। तो अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लिया है। अभी हम इसमें ये 1 कटोरी दही का लिया है, ये दही डाल देंगे। दही मैंने फेंट के लिया है। और इसको फ्रेंड्स यहाँ बात याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ इसको हमें दही डालते ही चम्मच को लगातार चलाना है, तब तक चलाना है तब तक दही में उबाल ना आ जाए। क्योंकि पिछली बार मैंने मिर्च बनाई थी, बार कई जनों ने मुझे यही सवाल पूछा कि दही डालते ही हमारा फट गया है,
तो अगर आप इसको दही डालते ही चम्मच को लगातार ऐसे चलाते रहना है तब तक उबाल ना आए तब तक, तो दही नहीं फटेगा। बस इसका यही एक ध्यान रखना, और कुछ ध्यान रखने वाली बात नहीं है इसमें, तो बहुत ही अच्छी बनेगी आपको। तो ये मैंने कटोरी धो के भी इसमें डाल दिया है, और इसको दही में हम अच्छे से फ्राई कर बॉईल कर लेंगे मिर्च को। तो दही में हम इसको ऐसे उबालेंगे मिर्च को, पकाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी, और आप ज़रूर बना के देखना, आपको बहुत सच में ही बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो ये देखिए मैंने पानी भी इसमें मिक्स कर दिया थोड़ा, और इसको अच्छे से हम दही में ही इसको बॉईल करेंगे, अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए दही में उबाल आ गए हैं अच्छे से, आपको दिख रहा होगा। अभी हम इसमें ये बेसन डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर इस तरह आप बनाओगे तो सच में ही आपको यकीन भी नहीं होगा कि इतनी टेस्टी बनती है, क्योंकि मैं आपको बना के दिखा सकती हूँ, आप टेस्ट नहीं कर सकते। टेस्ट आप जब ही कर पाओगे जब अपने घर पे बनाओगे, आप अपने किचन में भी ये शामिल करोगे बनाना, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो बेसन को हम ऐसे ही चलाते रहना, क्योंकि बेसन की आदत यह होती है, चिपकने की आदत होती है, तो ये नीचे लग जाता है बेसन, तो हमें ऐसे लगातार चलाते रहना है। बस इसमें यही ध्यान रखने वाली बात है, और कोई अलग से कुछ नहीं है। तो ऐसे ही हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, और अच्छे से हम पका लेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो। और ये बेसन थोड़ा सूख भी जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा पक जाएगा तो एकदम इकट्ठा हो जाएगा। तो अच्छे से हम इसको पका लेते हैं, और चम्मच को हम ऐसे चलाते रहना, नहीं तो ये बेसन नीचे चिपक जाएगा। तो जैसे जैसे हम इसको चलाएंगे पकाएंगे, बेसन नीचे चिपकता रहेगा, तो हम ऐसे ही चम्मच की सहायता से इसको ऐसे निकाल लेना है। और आप ये मत सोचना कि नीचे बेसन चिपक रहा तो हम इसको गैस को बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं, चिपकने दो, लेकिन मिर्च तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगर ऐसे इस तरह अच्छे से पकाओगे बेसन को मिर्च में, तो बहुत ही टेस्टी बनेगी, तो आप ट्राई ज़रूर करना। तो देखिए गैस को मैंने बंद कर दिया है, फिर भी मैं चलाते जा रही हूँ चम्मच को, क्योंकि ये गर्म है कढ़ाई अभी भी। तो ये देखिए मिर्च हमारी बनके एकदम रेडी हो चुकी है, तो मैं आपको सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी मिर्च बनी है, और इसकी खुशबू भी सौंफ डालने से बहुत ही अच्छी आ रही है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए, तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स हम डेली बनाएं या डेली रूटीन में शामिल करें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हर चीज़ से खा के बोर हो जाते हैं, तो चटपटा खाने का मन करता, तो आप ये रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, और मुझे भी कमेंट में बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और मेरी मिर्च आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, ये मिर्च हमारी रेडी हो चुकी है, तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।